जहां पर इस वक्त बता रहे हैं कि जहां से एक बारात है वो पीछे आप इस इस वक्त हम अर्निया सेक्टर में हैं, जहां पर पिछले आधे घंटे से लगातार हैवी शेलिंग हो रही है। आप हमारे पीछे हैवी शेलिंग की साउंड जो आप सुन सकते हैं। हम आपको जहां पर बैठकर जहां पर पीछे पूरा नजारा दिखा सकते हैं कि कितने हालात खतरनाक है जहां पर अर्निया सेक्टर में, और लगातार पिछले आधे घंटे से हैवी शेलिंग जो हो रही है। इस वक्त पूरे गाँव में सन्नाटा है। इस वक्त हम अर्निया के साथ लगते आखिरी गाँव देवीगढ़ में है, जहां पर पिछले लगातार एक घंटे से हैवी शेलिंग हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी जो लगातार जो मोर्टार फायर वो दागे जा रहे हैं भारतीय इलाके में, और बीएसएफ भी लगातार जो बैटल का जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। इस वक्त आप लगातार आवाज सुन सकते हो, हमारे इस साइड में भी पाकिस्तान की पोस्ट है और इस साइड में भी पाकिस्तान की पोस्ट है। यहां पर लगातार पिछले एक घंटे से हैवी और नॉर्मल स्मॉल आर्म विद वेपन्स के साथ जो लगातार फायर किया जा रहा है इलाके में, इस समय दहशत का माहौल बना है और इलाके में जो गांव के लोग हैं वो अपने घरों में जहां बंकरों में दुबके हुए हैं। आरएसपुरा से विजय भारद्वाज। इस वक्त रात के करीब 10:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हो कि जो हैवी फायर जो है निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो फायर हो रहा है, काफी हैवी शेलिंग्स जो इसमें इस्तेमाल की जा रही है, काफी बड़े पैमाने पर जहां पर जो रिटेलिएशन भी हुई है, बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग जो निया सेक्टर को किया गया है, करीब एक घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जहां पर लगातार जो हैवी शेलिंग हो रही है, और इस समय करीब 4 से 5 पोस्टों में जहां पर लगातार जो फायर हो रहा है। हम बताएंगे आपको कि इस वक्त हम अर्निया सेक्टर के गांव देवीगढ़ में हैं, जो बिल्कुल जीरो लाइन पर ये गांव है इस वक्त, जहां पर हम गांव के लोगों के बीच हैं। लेकिन कुछ एक लोग जहां पर इस वक्त बता रहे हैं कि जहां से एक बारात है वो पीछे, आप इस समय धमाके सुन सकते हो, जहां के गांव के लोग एक बारात में गए थे वो लोग पीछे करीब 10 किलोमीटर पीछे फंसे हुए हैं हैवी शेलिंग की वजह से। वो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही जहां पर ऐसे हालात हैं कि लोगों को जहां पे वापस सेफली लाया जाए। काफी पिछले 3-4 सालों से ये इलाका काफी शांत था, लेकिन आज फिर काफी सालों के बाद जहां के हालात बद से बदतर हुए हैं, लोगों के दिलों में दहशत है कि कहीं वो पुराने दिन ना आ जाए कि घर बार छोड़कर लोगों को जहां से माइग्रेंट होना पड़े। आरएसपुरा से विजय भारद्वाज।